Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। डबल टैप टू एक्टिवेट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, लेके आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और जी हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सअप चैट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीमेल के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो फीमेल भी हमें कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। गाइस, वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9654223684, 9654223684, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेकिन गाइस, उससे पहले हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल यानी QCL का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल किस तरीके से कर सकते हैं। यानी आप व्हाट्सएप में एक साथ तीन चार लोगों के साथ कॉलिंग करना चाहो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले जो लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल करना जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएं, और हाँ, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस, मैं आपको व्हाट्सअप में लेके चलूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि व्हाट्सअप पे अगर आप ग्रुप कॉल करते हो, चाहे वो वॉइस कॉल हो गई चाहे वो वीडियो कॉल हो गई, आप केवल 7 व्यक्ति से बात कर सकते हो। यानी आप 7 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके ही वीडियो कॉल कर सकते हो। यानी टोटल कुल मिला करके आप 8 लोग बात कर सकते हो। 7 तो वही हो गए जिनको आपने सेलेक्ट किया, यानी जिन कॉन्टैक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, और 8वें आप हो गए, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप कॉल में हम केवल 8 लोग ही बात कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो वॉइस कॉल हो गई चाहे वो वीडियो कॉल हो गई। चलिए गाइस, हम व्हाट्सअप में चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से व्हाट्सअप में हम ग्रुप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम व्हाट्सअप में, ठीक है, और आपको समझाते हैं। नेविगेशन बार बैक। चलिए आते हैं व्हाट्सअप में। आईओएस फोन कॉल। और गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करके फिर भगा करके ना देखें, ठीक है। YouTube कॉल व्हाट्सएप। चलिए व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं मैं। WhatsApp locked, out of तो grid. WhatsApp को ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो चलिए WhatsApp हमारा ओपन हो गया Search. है। अब हमें चलना है कॉल में, ठीक है। चलिए कॉल पे क्लिक calls. कर देता हूँ मैं। Selected. तो कॉल पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये देखिए अब क्या क्या हमें ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉल हिस्ट्री क्लियर कर रखी है, इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा कि मैंने कितने लोगों के साथ कॉलिंग कर रखी है, ठीक है। तो हमें चलना है न्यू कॉल में, ठीक है। न्यू कॉल पर चलना है, ठीक है। न्यू कॉल पर क्लिक करेंगे। चलिए न्यू कॉल पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ग्रुप कॉल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंगल कॉल किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर किसी आपको किसी एक मतलब एक व्यक्ति से बात करनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। 176 contacts. तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास कितने कॉन्टेक्ट है। 176 कॉन्टेक्ट मेरे पास है। सर्च कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। मोर ऑप्शन में कुछ नहीं है। तो लिस्ट न्यू ग्रुप कॉल, इस पर भी हम टैप करेंगे, यहीं से आप ग्रुप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये भी हमारे कोई काम करनी है, लेकिन इसको भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, कि इसका क्या काम है। स्कैन, तो शेयर QR कोड, ये तो खैर अब कोई काम का नहीं है, ठीक है। ANUP1, तो ये हमारा पहला कॉन्टेक्ट है, ANUP1 के नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो इस पे देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, इसके बाद ANUP1, ये बटन है वॉइस कॉल बटन। अगर वॉइस कॉल पे क्लिक करेंगे तो इसके पास वॉइस कॉल चली जाएगी, और वीडियो कॉल बटन, वही अगर आप वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे तो इसके पास वीडियो कॉल चली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कॉन्टेक्ट आएगा, उसके बाद भी देखिए दूसरा कॉन्टेक्ट आ गया, आदर्श आदर्श बटन, ठीक है। वॉइस कॉल
वीडियो कॉल। अगर वॉइस कॉल करोगे तो उसके पास वॉइस कॉल जाएगी, और वीडियो कॉल करोगे तो उसके पास जो है वो वीडियो कॉल चली जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं कॉलिंग करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप कॉल किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिंगल कॉल तो आपको करना आ गया, बाकी सिंगल कॉल करने के लिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको व्हाट्सअप में आना है, व्हाट्सअप में आने के बाद आपको कॉल में आना है, कॉल में आने के बाद आपने आपको न्यू कॉल में आना है। अगर आपने हिस्ट्री मतलब पहले से किसी के साथ वॉइस कॉल वीडियो कॉल कर रखा होगा तो वो कॉल हिस्ट्री भी आपको दिखाएगा कितने लोगों के साथ आपने कॉल कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ उनको भी आप कर सकते हो, बाकी आप न्यू कॉल में जा कर के भी न्यू कॉल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप कॉल कॉन्टैक्ट आपको सारे ऑप्शन मिलने लगेंगे। आपको आप स्वाइप स्वाइप करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको सारे कॉन्टैक्ट भी दिखाने लगेंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट का नाम आएगा, उसके बाद वहीं पर स्लाइड सेलेक्ट करेंगे तो आपको वॉइस कॉल वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो कॉल ग्रुप कॉल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, स्कैन न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू कॉन्टैक्ट। चलिए पहले मैं आपको न्यू कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद ग्रुप कॉल पे आपको ग्रुप कॉल करना बताता हूँ, ठीक है। तो न्यू कॉन्टैक्ट वैसे तो हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे मान लो अगर आपने कोई नंबर आपके पास कोई नंबर वो सेव नहीं है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो, ये देखिए नेम नाम डाल के कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कोई नंबर आपके पास है वो सेव नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो ये देखिए तो यहाँ से कोई नंबर भी एडिट कर सकते हो अगर आपको याद है और आपके पास सेव नहीं है तो यहाँ से भी आप सेव करके उसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बैक करेंगे है ना WhatsApp locked. तो चलिए WhatsApp को एक मिनट, हाँ तो ओपन हो गया हमारा WhatsApp. न्यू कॉन्टैक्ट, तो न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू ग्रुप कॉल, ग्रुप कॉल पे क्लिक करेंगे। तो हमने जान लिया है कि सिंगल कॉल हमें किस तरीके से करना है, नहीं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को हमें कॉल किस तरीके से करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब ग्रुप कॉल की बारी है। तो ग्रुप कॉल में मैंने आपको बताया कि केवल आप 7 लोगों से बात कर सकते हो, यानी 7 ही कॉन्टैक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कुल मिलाकर के आप 8 लोग व्हाट्सअप कॉल में बात कर सकते हो, चाहे वॉइस कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो। 7 तो वही हो गए जिनको आप सेलेक्ट करेंगे और 8वें आप, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको ग्रुप कॉल करना बताता हूँ, ठीक है। न्यू ग्रुप कॉल पर मैंने क्लिक कर दिया है, ये देखिए ये पहला ऑप्शन है न्यू ग्रुप कॉल, है ना। ये तो खैर टाइटल है, ठीक है। Add participants. Add participants. Search. Search भी कर सकते हो आप, बाकी देखिए choose up to 7 people. Choose up. They'll be able to join the call. Choose up to 7 people. They'll be able to join the call anytime after it starts. Learn more. हाँ, इसका कहने का मतलब है Double tap to activate. 7 कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पर मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि इसने तो हमें बता दिया कि केवल आप 7 ही कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, टोटल कुल मिलाकर हम 8 लोग बात कर सकते हैं, बाकी 8वां ये आपको नहीं गिनेगा, ठीक है। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉन्टेक्ट, लेकिन मैं वॉइस कॉल वीडियो कॉल करके दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कॉल करना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो एक हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये एक सेलेक्ट हो गया, दूसरा सेलेक्ट हो गया, तो आवाज नहीं आ रही है, बाकी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा सेलेक्ट कर लिया हमने, चौथा सेलेक्ट कर लिया है, तो पांचवा भी सेलेक्ट कर लिया है, छठा भी सेलेक्ट कर लिया है, और सातवां भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 7 कॉन्टेक्ट ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर हम 8वां कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें हमारे को एक एरर दिखाएगा कि आप 8वां कॉन्टेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, देखिए। देखिए इसने कह दिया ना, यू कैन ओनली 7 पार्टिसिपेंट, यानी भाई 7 कॉन्टेक्ट से ज्यादा आप इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते, आठ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए यू कैन ओनली 7 पार्टिसिपेंट, 7 लोगों से ज्यादा आप कॉलिंग नहीं कर सकते, यानी 8 लोग इसमें कॉलिंग कर सकते हैं, 8वें तो खैर आप ही हो गए, ठीक है। और 7 से कम हो सकता है, यानी 6 लोगों को भी कॉल कर सकते हो, 5 लोगों को भी कर सकते हो, एक साथ 4 लोगों को भी कर सकते हो, 2 लोगों को भी कर सकते हो, 7 से कम हो सकता है लेकिन 7 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पीछे चलना है, तो चलिए चलते रहेंगे पीछे। वीडियो कॉल, देखिए जैसे ही आप वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे तो इन सभी के पास वीडियो कॉल चली जाएगी, ठीक है। और वॉइस कॉल पे क्लिक करोगे तो इनके पास वॉइस कॉल चली जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल वॉइस कॉल करते हो तो आपका नेट अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छा खासा आपका नेट चलना चाहिए। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो अगर आप ग्रुप वॉइस कॉल वीडियो कॉल करते हो तो, और उनका भी नेट खुला होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता है कि WhatsApp जो है वो नेट से काम करता है। एक बार को आप सिम निकाल भी देंगे, अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है फिर भी आप WhatsApp कॉलिंग कर सकते हो, यानी WhatsApp चला सकते हो।
व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल वीडियो कॉल कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप ग्रुप कॉल कर रहे हैं, यानी 7 लोगों से बात कर रहे हैं, 6 लोग, जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बस 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको उनको पहले ही बोल देना है कि हम ग्रुप कॉल करने जा रहे हैं, आप अपना नेट ऑन रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ग्रुप कॉल लगा तो देते हैं, कई लोग कॉल उठा लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने 7 लोगों को मिला दिया, ठीक है, 7 में से 3 लोग फ़ोन उठाएं, 3 लोग नहीं, मतलब 4 लोग नहीं उठाएं, किसी का डाटा ऑन नहीं है, किसी ने कॉल ही रिसीव नहीं करी, किसी के पास नेट नहीं है, मतलब ये भी समस्या हो जाती है। तो अगर आप ग्रुप कॉल करते हैं तो आपको उनको पहले बता देना है, ठीक है। तो ये देखिए, वॉइस कॉल, ठीक है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप इसको बैक करूंगा और फिर आपको मैं एक ऑप्शन इसमें और दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ पहले कि चलिए मैंने सिंगल कॉन्टैक्ट तो मैंने आपको बता दिया सिंगल को आपको किस तरीके से कॉल करना है, ठीक है। तो ग्रुप कॉल भी मैं रिपीट कर लेता हूँ, आपको सिंपली करना क्या है कि आपको कॉल में आना है, कॉल में आने के बाद आपको न्यू कॉल में आना है। अगर आपने हिस्ट्री सेव कर रखी होगी तो आपको बता देगा, ठीक है, मतलब वो हिस्ट्री दिखाएगा जितनों के साथ भी आपने कॉल कर रखी होगी, ठीक है, आप उनके साथ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास हिस्ट्री इसलिए नहीं है कि मैं वॉइस कॉल वीडियो कॉल ज़्यादा किसी के साथ करता भी नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं अगर करता भी हूँ तो कॉल हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी कि व्हाट्सअप की कॉल हिस्ट्री किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, चाहे वो वॉइस कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉल हिस्ट्री क्लियर करनी नहीं आती तो, ठीक है। तो आपको कॉल में आना है, आपको न्यू कॉल में आना है, ठीक है। अगर आपने अपनी हिस्ट्री सेव कर रखी हो तो आपको नंबर भी दिखाएंगे, अगर आपने नहीं सेव कर रखी होगी तो सिंपली आपको न्यू कॉल का ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको न्यू कॉल में आना है, न्यू ग्रुप कॉल में आना है, तो आपने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेने, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो, बाकी सेलेक्ट कर लेने, ठीक है। आप बाकी 7 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 से नीचे भी हो सकते हैं लेकिन 7 से ऊपर नहीं हो सकते हैं। फिर 7 मतलब जितने भी आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने होंगे, है ना, आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको वॉइस कॉल वीडियो कॉल वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस कॉल वीडियो कॉल के लिए मैंने आपको बताया कि उन लोगों का भी नेट ऑन होना चाहिए और नेट भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप ग्रुप कॉल कर रहे हैं तो आपको उन लोगों को बोल देना है कि भाई आप अपना नेट जो है वो चालू रखें, क्योंकि मैं हम ग्रुप कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे मान लो आप मोबाइल कॉल करते हो, ठीक है, जैसे आप मोबाइल पर किसी की बात कर रहे हो, मैं व्हाट्सअप कॉलिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो हम कॉल पे बात करते करते किसी और को भी कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं। यानी जैसे मान लो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी और को भी मैं चाहूँ तो कॉन्फ्रेंस पे ले सकता हूँ। ऐसे आप व्हाट्सअप कॉल पर भी कर सकते हो, चाहे वो वॉइस कॉल हो गई चाहे वो वीडियो कॉल हो गई, ठीक है। जैसे आप वीडियो कॉल वॉइस कॉल पर बात कर रहे हो, जैसे आप सिंगल में किसी एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो तो आप चाहो तो किसी और को भी कॉल पर जोड़ सकते हो, है ना। ये तो खैर मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, कॉल मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हूँ, है ना। बाकी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ तो आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी कॉल कर नहीं सकता, है ना। आप जैसी वॉइस कॉल वीडियो कॉल करेंगे तो आपको ऐड पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन, आपको बहुत सारे ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरों को भी कॉल पर जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस मैं आपको एक चीज़ में और बता दूँ, है ना, कि आप व्हाट्सअप ग्रुप, जैसे आप किसी व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ से भी व्हाट्सअप ग्रुप मेंबर्स के साथ भी आप ग्रुप कॉल कर सकते हो, चाहे आपके पास उनका नंबर सेव हो या ना हो। जैसे आप पर्टिकुलर किसी व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी आप कॉलिंग कर सकते हो, चाहे आपके पास मेंबर्स के नंबर सेव हो या ना सेव हो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप मोबाइल कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पे तो खैर हम ज़्यादातर 5 लोग बात कर सकते हैं, तो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉल हिस्ट्री, हमारे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री भी बनती है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं दिखाता है कि हमने कॉन्फ्रेंस पे इतने लोगों के साथ बात किया था। लेकिन व्हाट्सअप पे अगर आप वॉइस कॉल वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हो, यानी ये तो आपको पता ही है कि हम कॉल व्हाट्सअप पे कॉल करते हैं चाहे मोबाइल पे कॉल करते हैं तो हमारी कॉल हिस्ट्री बनती है। लेकिन व्हाट्सअप में एक ऑप्शन एक और होता है गाइस, कि जैसे आप ग्रुप में 6 लोगों के साथ 7 लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वो भी हिस्ट्री बन जाएगी, ठीक है। जैसे कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा भी देगा कि आपने इतने लोगों से बात किया था, वॉइस कॉल पे बात किया था, वीडियो कॉल पे बात किया था, ये भी आपको दिखा देगा। सिंपली आपको दोबारा से आप कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको उन्हीं नंबर्स पे कॉल चलेगी जिन लोगों के साथ आपने शुरू में कॉल किया होगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बन जाती है। इसे मान लो अगर आपने 6 या 7 लोगों के साथ एक साथ बात किया है तो आप कॉल हिस्ट्री में आपको दिखा देगा कि इतने लोगों के साथ आपने कॉल किया है। वीडियो कॉल किया होगा तो वीडियो कॉल दिखा देगा, वॉइस कॉल किया होगा तो वॉइस कॉल दिखा देगा। दोबारा से आप कॉल पर क्लिक करेंगे तो उन लोगों के पास कॉल चलेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि उनका नेट एक तो ऑन होना चाहिए, ठीक है, और मोबाइल डेटा उनके पास होना चाहिए, तभी उतने लोगों के पास कॉल दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको मेंबर्स दोबारा से ऐड करने की कोशिश नहीं कर मतलब दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पड़ेगी, मतलब क्योंकि
और वो कॉल हिस्ट्री तो आपके फ़ोन में सेव रह गई है, ठीक है। यानी अगर आप 6 लोगों के साथ कितने लोगों के साथ भी बात करते हैं तो वो एक कॉल हिस्ट्री बन जाएगी, ठीक है। तो आप उनको दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोबारा से उनके नंबर आपको सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नए कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे तब आपको न्यू कॉल में सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी पुराने अगर जिन लोगों के साथ आपने बात कर रखी है और अगर आपने कॉल हिस्ट्री क्लियर नहीं करी है तो उनको चाहो आप दोबारा भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वॉइस कॉल वीडियो कॉल करना चाहते हो तो उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ग्रुप में चलना पड़ेगा किसी, ठीक है। तो पहले हम बैक करेंगे, हम पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप में चलेंगे, व्हाट्सएप, ठीक है। न्यू कॉल पे कॉल से बैक करेंगे, नेविगेशन, चैट्स 6। तो चलिए, टेक्नोलॉजी, यहाँ से मैं किसी ग्रुप में चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे ग्रुप है ओनली फीमेल ग्रुप। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ग्रुप में, ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट यानी ग्रुप कॉल किस तरीके से कर सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि जितने कॉन्टैक्ट आपके फोन में सेव हो उनके साथ कॉल करना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप जैसे किसी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, किसी मेंबर्स को आपको कॉल करनी हो ग्रुप में, तो उसको आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस ग्रुप को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने ग्रुप इस ग्रुप को ओपन कर लिया है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी तो मेरे पास फिलहाल नंबर सेव हैं इस ग्रुप में, अधिकतर लोगों के मेरे पास नंबर सेव हैं, लेकिन आपके पास नंबर सेव नहीं है फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के उन लोगों को कॉल कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के भी आप मेंबर्स को कॉल करते हैं तो आपको साथ ही कॉन्टैक्ट आप सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अटैच कैमरा, वॉइस मैसेज, 0100, ठीक है। तो ये देखिए व्हाट्सएप नेविगेटर के बाद ये देखिए ओनली फीमेल ग्रुप अनी अनु, तो ये तो यहाँ से तो आप ग्रुप इन्फो में जा सकते हो, ठीक है। और न्यू ग्रुप कॉल, ठीक है। न्यू ग्रुप कॉल पे क्लिक करोगे तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने मेंबर्स के साथ कॉल कर सकते हो, जितने मेंबर्स आपके ग्रुप में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू ग्रुप कॉल में आप मेंबर्स के साथ ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट का नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट मतलब जितने कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में सेव हैं अगर आप उनके साथ ग्रुप कॉल करना चाहते हो तो आपको कॉल में जा करके न्यू कॉल पर क्लिक करके ग्रुप कॉल पर क्लिक करके आप वहाँ से कॉल करेंगे तब आप कॉन्टैक्ट जितने कॉन्टैक्ट आपके पास सेव हैं उनके साथ कॉल कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स से कॉल करना है तो आपको उस ग्रुप में आना है। ग्रुप में आने के बाद आपको जहाँ पर मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, देखिए टाइप मैसेज एड बॉक्स, वहीं पर एक नेविगेटर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद स्लाइड करेंगे तो जितने मेंबर्स ग्रुप में होंगे वो बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू ग्रुप कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए न्यू ग्रुप कॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्टैक्ट उन लोगों के कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है जिनके नंबर आपने सेव कर रखे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे ग्रुप में हैं, सॉरी, है ना, तो अधिकतर मैंने नंबर सेव कर रखे हैं, ठीक है। सर्च कर सकते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को, ठीक है। अगर आपने नंबर सेव कर रखे मतलब नाम से सेव कर रखा होगा तो, बाकी नंबर तो मुझे नहीं पता कि नंबर से आएगा कि नहीं। तो ये तो नंबर मेरे को मतलब नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इन नंबर को सेव कर रखा है। चलिए मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करेंगे ग्रुप के मेंबर्स को, किरण, मीनाक्षी, मोनिका, पल्लवी, रीना, एट। चलिए यू कैन ओनली, हाँ, तो इसमें भी मैंने 7 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिए, इसमें भी अगर मैंने 8वां सेलेक्ट किया तो इसमें एरर दिखा दिया कि आप केवल 7 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाली ग्रुप कॉल है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएगा, हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं ये उनके नंबर्स दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने नंबर सेव कर रखे हैं नाम से, इसलिए नाम बोल रहा है, ठीक है। बाकी चले हम चलते रहेंगे, स्लाइड करते रहेंगे। वीडियो कॉल में अगर वीडियो कॉल पे मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी मेंबर्स हमारे ग्रुप में हैं मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं सॉरी ग्रुप के, तो उतने लोगों के पास वीडियो कॉल चली जाएगी, ठीक है। हाँ, वॉइस कॉल पे क्लिक करेंगे तो वॉइस कॉल चली जाएगी, ठीक है। चलिए हम बैक करेंगे, नेविगेशन, और आएंगे अपनी होम स्क्रीन पे, नेविगेशन बार, व्हाट्सएप। चलिए बैक करेंगे, नेविगेशन बार, iOS लॉन्चर, सर्च एप्स, बैक करेंगे, नेविगेशन,
होम स्क्रीन वन ऑफ 32 डिग्री। चलिए गाइस तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि राहुल आपका मैसेज मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप कॉल करने के लिए आपको केवल 7 लोगों से आप बात कर सकते हैं, नहीं टोटल कुल मिलाकर के आप 8 लोग व्हाट्सएप कॉल पर बात कर सकते हैं, है ना। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया, मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, पहले मैं आपको सिंगल कॉल के बारे में बताता हूँ कि आपको व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद आपको कॉल में आना है। कॉल में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने हिस्ट्री सेव कर रखी होगी, मतलब अगर आपने कई लोगों के साथ कॉल कर रखा होगा तो आपको उसकी हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। मेरे फ़ोन में इसलिए नहीं मिला है कि मैंने क्लियर कर रखा है, मैं अधिकतर करता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो उनके साथ भी आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप उनके साथ भी कॉलिंग कर सकते हो। बाकी आपको न्यू कॉल का ऑप्शन ढूंढना है। न्यू कॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है, न्यू कॉल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको उधर न्यू ग्रुप कॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी आप स्वाइप स्वाइप करेंगे तो आपको उधर सारे कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट जैसे मान लो अपने आपको एक कॉन्टैक्ट मिला राहुल के नाम से, ठीक है। तो एक ऑप्शन आएगा राहुल और एक ऑप्शन आएगा राहुल बटन। तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा वॉइस कॉल। वॉइस कॉल करेंगे तो उसके पास वॉइस कॉल जाएगी। वीडियो कॉल करेंगे तो उसके पास जो है वो वीडियो कॉल जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर आप न्यू ग्रुप की बात करते हैं, न्यू ग्रुप कॉल पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू ग्रुप कॉल पर आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप सर्च भी कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि 7 से कम कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपने करना क्या, जैसे आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको सिंपली करना क्या, आपको पीछे की तरफ स्लाइड करना है तो आपको वहीं पर वॉइस कॉल वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे तो वीडियो कॉल जाएगा, वॉइस कॉल पर क्लिक करेंगे तो उसके पास वॉइस कॉल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है जिनके साथ भी अगर ग्रुप में कॉल कर रहे हैं उनका नेट एक तो खुला होना चाहिए और नेट वगैरह होना चाहिए और आपका भी नेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन इसमें और भी है न्यू कॉन्टैक्ट का, ठीक है। न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई नंबर याद है तो वहाँ से भी नंबर सेव कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, बाकी आप करके देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मान लो व्हाट्सएप पे आप ग्रुप कॉल करते हो, यानी आप 6 लोगों के साथ 7 लोगों के साथ बात करते हो तो वो भी हिस्ट्री में सेव हो जाता है कि आप लोगों ने इतने लोगों के साथ बात किया है, ठीक है। तो आप इतनों के साथ, तो जितने लोगों के साथ आपने बात किया उतनों के साथ दोबारा कॉल कर सकते हो, यानी वो हिस्ट्री में सेव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि कई लोगों के साथ नेट अगर ऑफ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, नेट ना हो या नेट ऑफ हो जाना, तो आप उन लोगों के साथ कॉलिंग नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर आप ग्रुप कॉल कर रहे हो तो आपको पहले उनको बोलना पड़ेगा कि आप अपना नेट चालू रखिएगा, हम आपको ग्रुप कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक मैंने आपको एक ऑप्शन और भी दिखाया कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉलिंग कर सकते हो, यानी जितने भी मेंबर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनके साथ भी कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद आपको नेविगेटर के बाद वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको ग्रुप मेंबर्स दिखाएंगे कितने हैं, ठीक है। उसके बाद एक न्यू ग्रुप कॉल का ऑप्शन मिलेगा, न्यू ग्रुप कॉल पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसमें आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आपने नंबर नाम में सेव कर रखे होंगे तो नाम भी शो करेंगे, अपने नंबर सेव नंबर मतलब नंबर आप नाम सेव नहीं कर रखे होंगे तो आपको नंबर भी शो करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें भी आप 7 लोगों के साथ कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप के मेंबर के साथ कॉल करना चाहते हो तो ग्रुप के मेंबर के साथ भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्च कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन होता है, अगर आपने कोई नंबर नाम सेव कर रखा होगा तो आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नंबर तो पता नहीं नंबर से आएगा कि नहीं, बाकी मैं नंबर तो कभी सर्च नहीं किया है, बाकी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप कॉल और मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी ग्रुप मेंबर्स के साथ भी आप कॉलिंग कर सकते हैं और जितने कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में सेव हो उनके साथ भी आप ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, 15 लाइक का टारगेट है गाइस, पूरा जरूर कीजिएगा। और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल QCL का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीख मिली होगी, जिनको भी वॉइस कॉल वीडियो कॉल को लेकर के कोई डाउट हो वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस, फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ किसी और कार्यक्रम में। थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए।